बट्टा कैंप में है इस वक्त का बड़ी खबर बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो ट्रेनिंग सेंटर में है, यहाँ पर परेड हो रहा है, आखिरी दिन है जो लगातार हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर और अपने चैनल पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी महिला पुलिस और यहाँ पर जेंट्स पुलिस का यहाँ पर जो परेड हो रहा है और यहाँ पर काफ़ी लगातार यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं किस तरह से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगातार मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वहाँ से जूम करके थोड़ा दिखाइए दर्शकों को कि ये देखना चाहिए कि यहाँ पर देखिए परेड किया जा रहा है, काफ़ी महिला पुलिस और यहाँ पर जेंट्स पुलिस का आखिरी ट्रेनिंग यहाँ पर बिहटा कैंप से मैं लाइव तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर और लगातार अपने आरती न्यूज़ को दर्शकों को बता दूँ कि मैं यहाँ पर लगातार कवरेज दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ अपने। देखिए यहाँ पर महिला पुलिस हैं, लगातार वहाँ से दिखाइए ना, वहाँ से दिखाइए। देखिए यहाँ पर तिरंगा झंडा, देखिए यहाँ पर एक सुनहरा तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए जवानों की तरफ से यहाँ पर तिरंगा झंडा यहाँ पर लहराया जा रहा है, यानी परेड के दौरान यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर जवान है, यानी ये सबसे बड़ी खबर परेड करते हुए एकदम हिले है ना। ये बिहटा से लाइव आप ट्रेनिंग सेंटर से देख रहे हैं, बहुत अच्छा तस्वीर, अलग अलग टीम के लोग यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये आरती न्यूज़ के दर्शकों को देखना बहुत ज़रूरी था क्योंकि हम लोग का बिहार का आन बान शान जो प्रशासन होती है किस तरह से मकसद करके यहाँ पर देखिए महिला भी फोर्स हैं, यानी बिहार पुलिस का ये महिला फोर्स हैं, बहुत अच्छा पहल है, यह दर्शकों को बहुत ज़रूरी है दिखाना चाहिए क्योंकि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ के नारा मोदी जी के साथ चलते हैं और काफ़ी देखिए मैं बिहटा से लाइव ये ट्रेनिंग सेंटर से आपको दिखाने के प्रयास है। पीछे पीछे कैमरामैन दिखाइएगा किस तरह से यहाँ पर परेड हो रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि जो अहम यह तस्वीर है जो ट्रेनिंग सेंटर बिहटा से मैं लाइव तस्वीर दिखाने के प्रयास कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज पर
दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए किस तरह से यहाँ पर, देखिए हाँ यहाँ पर देखिए किस तरह से ढोल बाजा नगाड़ा के साथ ये इस तरह से यहाँ पर हम, मैं चाहूँगा कि लगातार कैमरामैन से अपने कीजिए। हाँ देखिए ये खबर है जो बड़ी खबर है, मैं बता दूँ अपने दर्शकों को और आरती न्यूज को दर्शकों के मैं बताना चाहूँगा। ये मैं लगातार बीटा सा लाइव तस्वीर दिखाने के अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो हम लोग का ये देखिए जो आखिरी हम लोग कैमरामैन लगातार ट्रैक कर रहे हैं किस तरह से, और आइए आगे से दिखाइएगा। यह अहम खबर है आरती न्यूज को दर्शकों के लिए, बीटा सा लाइव यानी पुलिस प्रशासन के ये देखिए आखिरी परेड है। ये बिहिटा से लाइव दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आखिरी परेड ये तस्वीर है जो कैमरामैन लगातार दिखाएंगे किस तरह से ये आखिरी परेड खत्म हो चुका है। लगातार पुलिस बल यहाँ पर लगातार परेड करके यहाँ से निकल रहे हैं। हमारे कैमरामैन दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरह से यहाँ पर कदम में कदम मिलाकर यहाँ पर अपने जवान किस तरह से यहाँ पर परेड के कर रहे हैं। महिला भी पुलिस हैं यहाँ पर, महिला पुलिस भी कदम से कदम मिलाकर अपना परेड का इंजाम झेल रहे हैं। ये देखिए मैं चाहूँगा कि कैमरामैन से चाहूँगा कि लगातार दिखाते रहेंगे किस तरह से यहाँ पर कदम से कदम मिलाकर अपने जवान परेड आखिरी परेड है यहाँ पर जा रहे हैं, और चाहेंगे कि अपने कैमरामैन से लगातार हम अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाएंगे, और जो आप यूट्यूब पर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो के भी शेयर करें, ज़रूरी है क्योंकि ये बिहार के ये यही हम लोग का मान सम्मान देने वाले और दिलाने वाले यानी प्रशासन हैं। देखिए आखिरी ये तस्वीर मैं चाहूँगा, आप लोग आज के बाद से आपकी अब जिंदगी बदल गई, अब आप जनरल पब्लिक नहीं रह गए, अब आप यूनिफॉर्म पहनेंगे तो आपका रूप रंग अलग हो गया। इधर ले लीजिए हम लोग के, और पूरे सेवा काल में आपसे जितना कल्याणकारी काम हो सके वो करने का मन से आज शपथ लिए हैं आप लोग, और जहां रहिए इस वर्दी पे कोई दाग ना लगे क्योंकि आप भीड़ से अलग हो। आप पहले आरती न्यूज को हम प्रणाम कर रहा हूं, और हमारे सारे जवान आज जो देख रहे हैं और ये पूरा फील्ड खचाखच भरा हुआ है, तो आज यहां पासिंग आउट है, बिहिटा ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट है, तो पासिंग आउट आउट के दिन आ रहे हैं, सब लोग इकट्ठा हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, और हम बहुत खुश हैं कि आज यहाँ भी आप पहुँच गए हैं और इस मीडिया में दिखाइए कि मैं परेड भी दिखलाता हूँ। लोग विरोध करते हैं कि खालसा ये गाँव नहीं और बजनई में रहते हैं, तो मुझे आज बहुत खुशी हुई कि आज आनंदपुर बिहिटा कैंप में आए, और आरती न्यूज को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। सभी दोस्त के साथ, आपको दोस्त के साथ लोग देख रहे हैं तो। जी हमारे सभी दोस्त हैं, मित्र हैं, मेरे जवान भी हैं, कदम से कदम हम लोग मिला के चलते हैं, ड्यूटी करते हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है आज पासिंग आउट पर साहब लोग का भाषण भी चल रहा है। चलिए देखिए ये जो चाचा जी के सभी लोग दोस्त हैं यहाँ पर जो परेड चल रहा है, मैं वहीं से लाइव दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आज के जो परेड हुआ ये आखिरी परेड है कि क्या है, थोड़ा दर्शकों को? ये आखिरी नहीं है, ये तो अभी पहला लॉट निकला है, और फिर हमारा 5 तारीख से फिर 550 अभी जो लोग जितने स्वच्छ नामांकन हो रहे हैं वो सबको जो है हमारे यहाँ बुनियादी प्रशिक्षण यहाँ देना है, तो अभी 550 का लॉट निकला, फिर 5 तारीख से जो है नेक्स्ट लॉट, हर जिला में जहाँ जहाँ स्वच्छ नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है तो उनको वहाँ यहाँ बुनियादी प्रशिक्षण हम लोग देते हैं। लोग यहाँ से आज निकल के जाएं? अभी तो 503 अभी जा रहे हैं, और फिर जो है 5 तारीख के आसपास, 5 तारीख से फिर शुरू होगा वो 500 लॉट, भागलपुर
नवगछिया ये सब जो बहाली हुआ है, अलग अलग जिले, अलग अलग जिले से आते हैं। और इसके अलावा भी हम लोग जो है मुजफ्फरपुर में भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके बाद सहरसा में भी दे रहे हैं, बरियाही में। ये मेरा मेन ट्रेनिंग सेंटर है, तो हमेशा सालों भर यहाँ ट्रेनिंग चलता रहेगा जो है। अभी अरविंद कुमार ठाकुर का कहना है कि अरविंद ठाकुर का कहना है कि लगातार ट्रेनिंग चलते रहता है बिहटा में, और यहाँ से जिला बाई जिला यहाँ से सैनिक जाते रहेंगे। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं मनीष कुमार, आरती न्यूज लाइव, पटना बिहार।